दोस्तों आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब यह है कि आप कंफ्यूज हो थोड़ा कि आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग बेटर है या फिर जॉब करना बेटर है, दोनों में से क्या बेटर है। एंड इससे पहले मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई स्किल तो होगी, तभी तो आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे या फिर जॉब कर पाओगे। ओके, क्योंकि जॉब तो एक बार चलो मिल जाती है, बट फ्रीलांसिंग के लिए आपको कोई ना कोई स्किल होनी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे डिग्री नहीं दिखानी देती आपको। तो अज्यूम करके चलते हैं कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, फिर चाहे वो ऐप डेवलपमेंट का हो, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कोई भी एक स्किल होनी चाहिए आपके पास। ओके, आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होगी। तो देखिए, मेरा एक सीधा सा आंसर है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा और मैं आपको मेरा ओपिनियन आपको शेयर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, आफ्टर ऑल डिसीजन आपका है, डिसीजन तो लास्ट में आपका ही होने वाला है। देखिए, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, अभी आपने कोई कोर्स ख़त्म किया है या फिर कोई नया स्किल सीखा है आपने, देन यहाँ पर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं नया हूँ तो जॉब कैसे मिलेगी? मिल जाएगी दोस्तों, आप देखिए नियर बाय में कहीं ना कोई जॉब आप ले लीजिए। आप सैलरी मत देखिए कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है, आप 5 महीना 6 महीना या फिर 1 साल के लिए वो जॉब करिए। ओके, क्यों? इसका कारण ये है कि जब आप एकदम नए होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको नहीं मालूम रहती, आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता, आपको क्लाइंट से बात करने का एक्सपीरियंस नहीं रहता, क्लाइंट प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस नहीं रहता, ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, देन आप वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। यहाँ पर आप जो 5-6 महीना जॉब कर रहे हो, वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो, नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हो। ओके, देन आपको डेफिनेटली जॉब करना चाहिए। अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है या फिर आपने कोई नया स्किल सीखा है और एकदम फ्रेशर हो, आपने कोई भी क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको जॉब करना चाहिए। एंड इसका एक रीज़न और है जॉब करने का, वो ये है कि जब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्लाइंट प्रोजेक्ट लेते हो, तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका फ्रीलांसिंग करियर खत्म हो जाएगा। खत्म क्या मतलब, खराब हो जाएगा, उतना ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी से आपको अच्छे रिव्यू मिलते हैं, रिकमेंडेशन मिलती है, यही सारी चीज़ें देखी जाती है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो आप क्लाइंट को अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर पाओगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। एंड इसमें होगा क्या, अगर आपने पहले फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया और अगर आपके क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुए, देन वो क्या करेंगे, वो आपको छोड़ के जाने लगेंगे। जब क्लाइंट छोड़ के जाने लगेंगे, देन आपको क्लाइंट ज़्यादा मिलेंगे नहीं, मतलब क्लाइंट मिलेंगे नहीं, वहाँ से अर्निंग खत्म होगी, फिर आप क्या करोगे यार, मजबूरी में जॉब करोगे, समझ रहे, मजबूरी में जाके जॉब करोगे। एंड फिर क्या होगा कि मतलब आप ऐसा सोचोगे यार कि मुझे जॉब करना ही है, अभी यही मेरा एकमात्र रास्ता है, क्योंकि पहला दरवाज़ा जो था फ्रीलांसिंग वाला, वो तो आपने बंद कर दिया, अभी आपका लास्ट दरवाज़ा है, इसको अगर आप बंद कर दोगे तो आप मतलब कुछ नहीं है, समझ रहे। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, इससे अच्छा कि पहले आप जॉब कर लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो, 5 महीना 6 महीना जॉब करो, सैलरी वगैरह मत देखो, कुछ भी मिल रहा है ले लो एंड एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फ्रीलांसिंग में आओ। ओके, फ्रीलांसिंग करो, क्लाइंट को सेटिस्फाई करो, अच्छे से सर्व करो एंड अपना फ्रीलांसिंग करियर ग्रो करो। फ्रीलांसिंग एक बिजनेस की तरीके से है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ घर पे बैठे काम कर लिए, ऐसा नहीं रहता है। आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उनको अच्छे से सर्व करना पड़ता है, तभी आपका मतलब जो है फ्रीलांसिंग करियर ग्रो होगा। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर मतलब ले रहे हो, क्लाइंट ले रहे हो, जैसे फीवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, देन वहाँ पर भी अगर आप क्लाइंट को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करोगे, तो आपको अच्छे रिव्यू नहीं मिलेंगे। अगर रिव्यू नहीं मिलेंगे, देन दोस्तों आपको और भी ज़्यादा क्लाइंट नहीं मिल पाएंगे। अगर आप कोई दूसरे माध्यम से ले रहे हो क्लाइंट को, देन वहाँ पर भी आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को रिकमेंड करता है, क्योंकि हम जो काम करके देते हैं वो काम ऐसे ही हर गरील नुक्कड़ में कोई भी करता नहीं मिलता है। ओके, और क्लाइंट को क्या चाहिए, एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए और अच्छा सा काम चाहिए। ओके, यही चीज़ देखी जाती है फ्रीलांसिंग में, क्योंकि फ्रीलांसिंग को जॉब की तरीके से नहीं है कि जिसको उन्होंने काम दिया है वो उनके बाजू में बैठ के काम कर रहा है, उनकी निगरानी में काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में ट्रस्ट के ऊपर काम चलता है। अगर एक बंदे का ट्रस्ट बैठ गया, आपने उसको अच्छे से सर्व करके दे दिया, देन वो डेफिनेटली दूसरे बंदे को रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन पे काम होता है। देन आप डेफिनेटली अगर आप मतलब फ्रेशर हो, तो आप जॉब कर लो थोड़े टाइम, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, एंड अगर आप जॉब कर रहे हो, देन आप डेफिनेटली फ्रीलांसिंग में हाथ आजमा सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपका जो डाउट रहा होगा फ्रीलांसिंग वर्सेज जॉब में, वो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर मैं पैसे का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करने वाला हूँ,
क्योंकि देखो जॉब में भी अच्छी खासी कमाई है एंड पैसे में भी अच्छी फ्रीलांसिंग में भी अच्छी खासी कमाई है। हाँ, आप फ्रीडम देख सकते हो फ्रीलांसिंग में, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, कभी भी कहीं भी काम कर सकते हो। एंड जॉब में तो एक टाइम पीरियड रहता है, लेकिन आप ये भी देखना कि जब जॉब करते हो आप तो आपको एक टाइम रहता है कि उतने से उतने टाइम तक ही, मतलब सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही आपको काम करना है, उसके बाद काम नहीं करना है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है, फ्रीलांसिंग में आपको 24 घंटा आप काम करते रहते हो, 24 घंटा, जी हाँ दोस्तों, आप 24 घंटा काम करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप काम नहीं करते रहते हो तो भी आप दिमाग में काम करते रहते हो, आप कुछ ना कुछ आपको रहता ही है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है तो वो आपके ऊपर बर्डन रहेगा ही रहेगा, वो 24 घंटा रहेगा कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करके देना ही है, देन वो दिमाग में घूमते रहता है। ये अभी आपको शायद नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने किया है, मुझे समझ में आता है कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करके देना है। क्लाइंट आपसे पूछते रहेगा, टोंट मारते रहेगा कि हुआ 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 हुआ, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो दोनों जगह पे आपको एक मतलब ये नहीं बोलूँगा कि फ्रीडम मिलता है, टाइम का फ्रीडम दोनों जगह पे वैसे ही है। पैसा वगैरह आप देख लेना जहाँ पे ज़्यादा मिले, ओके। बाकी मेरे हिसाब से जो है वो मैंने आपको बता दिया, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।